हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चर्चा करेंगे एक और मॉडल की, जो कि बड़ा खूबसूरत मॉडल है, मिसेस जोन रॉबिन्सन का। ये श्रीमती रॉबिन्सन, ये मॉडल मिसेस जोन रॉबिन्सन ने 1956 में दिया था, और एक किताब इन्होंने लिखी थी, द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। इस एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, इस किताब में इन्होंने इस मॉडल की चर्चा की है। और इन्होंने इस मॉडल में जो मुख्य बात बताई है वो ये है कि पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या वृद्धि, ये जो फैक्टर होता है जनसंख्या वृद्धि का, कहीं ना कहीं ये पूंजी संचय दर और उत्पादन वृद्धि दर, इन दो चीजों से प्रभावित होता है, या इसको कहें ये वाइस वर्सा भी सही होती है। यानी जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो उसके कारण पूंजी संचय, पूंजी इकट्ठे करने की दर में कहीं ना कहीं कोई प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही उत्पादन की वृद्धि में भी कोई ना कोई प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ेगा। मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने इस मॉडल में उत्पादन के दो साधन बताए हैं, एक है पूंजी और दूसरा है श्रम। ये दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने बताए हैं। अब इन दो फैक्टर्स की मदद से मिसेस जॉन रॉबिन्सन कहती हैं कि जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम, ये मुख्यतः लाभ, वो भी सकल लाभ और सकल मजदूरी का योग होता है। इस चीज को समझिए आप, प्रॉफिट प्लस वेजेस। इसमें ये जो प्रॉफिट है ये पूंजी के माध्यम से उत्पन्न हो रहा है, और ये जो मजदूरी है ये श्रम से रिलेटेड है। अब चूंकि ये दो फैक्टर्स प्रोडक्शन के इन्होंने बताए, तो इसी के आधार पे मिसेस जॉन रॉबिन्सन के इस मॉडल की हम विवेचना आगे करेंगे। अब मिसेस जॉन रॉबिन्सन यहाँ पर एक बात और कहती हैं, जैसा अभी हमने कहा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, यह है सकल लाभ प्लस सकल मजदूरी। राष्ट्रीय आय वाई, सकल लाभ क्या है, एन प्रॉफिट, सॉरी एन श्रमिकों की संख्या, और इन श्रमिकों की संख्या में जो मजदूरी दी जा रही है यह है सकल मजदूरी, प्लस सकल लाभ हो गया पूंजी के कैपिटल, और इस पूंजी पर लाभ की दर क्या है पी, ये हो गया सकल लाभ। यानी वाई बराबर डब्ल्यू एन प्लस पी के। कुल आय यह है मजदूरी की दर और श्रमिक, यह है मजदूरी दर गुणित श्रमिक, और यह है आपका लाभ की दर गुणित पूंजी की मात्रा। अब यहां पे जो नोटेशंस हैं वो हैं, वाई आपकी है कुल आय, W है वेजेस मजदूरी, P है रेट ऑफ प्रॉफिट लाभ की दर, N है पॉपुलेशन यानी इसको हम कह लें श्रम संख्या, और K है कैपिटल पूंजी, पूंजी की मात्रा। अब इस फॉर्मूले से अगर हमें P निकालना है तो P
यानी लाभ की दर। अगर हमें लाभ की दर निकालनी है तो वो हो जाता है y माइनस डब्ल्यू एन अपॉन के, ये हो गया लाभ की दर। उसी प्रकार अगर हमें मजदूरी की दर निकालनी है इसी फॉर्मूले से, तो ये हो जाता है y माइनस पी के अपॉन एन। ये दो सूत्र जो हैं ये जॉन रॉबिन्सन के सूत्रों का बेसिस है। इसी के आधार पर मिसेस जॉन रॉबिन्सन आगे चर्चा करती हैं अपने इस मॉडल की। आइए थोड़ा सा अब हम डिटेल में इसको देखते हैं। अब फिर से मैं एक बार वही लिख दूं, लाभ की दर y माइनस डब्ल्यू एन अपॉन के, और मजदूरी की दर है y माइनस पी के अपॉन एन, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था। अब y राष्ट्रीय आय क्या है? उपभोग व्यय प्लस निवेश, यानी c है उपभोग व्यय प्लस निवेश है इन्वेस्टमेंट i। ये शुद्ध राष्ट्रीय आय की हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात, सामान्य प्रचलन में अगर आप देखें तो सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट, सेविंग बचत ही निवेश का रूप लेती है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि सेविंग इज इक्वल टू पी के, यानी सेविंग क्या है, लाभ की दर गुणित कैपिटल पूंजी, यह है बचत। अब इसी के आधार पर हम निकाल सकते हैं इन्वेस्टमेंट आई क्या है। आई है वास्तविक पूंजी में वृद्धि, यानी निवेश आई ये वास्तव में और कुछ नहीं है बल्कि वास्तविक पूंजी में वृद्धि, आई बराबर डेल्टा के। अब इसी के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि पी के, यहां से हमने लिया पी के कुछ नहीं है, ये बराबर है डेल्टा के। क्यों? क्योंकि एस बराबर आई है, तो ये बराबर, ये दोनों बराबर होगा। अब पी के बराबर डेल्टा के हमने लिख दिया, तो अगर हमें पी निकालना है, पी क्या होगा, डेल्टा के अपॉन के। इसी से हम यहां पहुंचे हैं इस सूत्र में। ये हमको बता देता है पूंजी की वृद्धि दर क्या होगी। वैसे ही जनसंख्या की वृद्धि दर निकालने के लिए, जनसंख्या की वृद्धि दर होती है डेल्टा एन अपॉन एन, ये हो गया जनसंख्या की वृद्धि दर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जॉन रॉबिन्सन कहते हैं वो ये कहती हैं कि इसी के आधार पे पूंजी में वृद्धि दर जो होती है वो हमेशा बराबर होगी जनसंख्या की वृद्धि दर में। यही संबंध उन्होंने अपने इस मॉडल में निकालने का प्रयास किया है, और ये जो बिंदु है इसी को उन्होंने नाम दिया है स्वर्ण युग, गोल्डन एरा या गोल्डन पीरियड। इस पॉइंट पर, इस गोल्डन एरा पर पूंजी की वृद्धि दर जो होती है वो हमेशा बराबर होगी जनसंख्या वृद्धि दर पर, जनसंख्या वृद्धि दर पर। अब ये जो स्वर्ण युग है, जो गोल्डन पीरियड की बात करती हैं मिसेस रॉबिन्सन, इसको इन्होंने एक डायग्राम से बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। यानी अभी हम अब चर्चा करेंगे गोल्डन एज, स्वर्ण युग की, कैसे ये क्रियाशील होता है और कैसे ये काम करता है, इसको हम एक डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। ये लिया जीरो, एक्स एक्सिस पर हमने लिया
पूंजी श्रम अनुपात। 0Y ये हमने लिया प्रति व्यक्ति उत्पादन, प्रति व्यक्ति उत्पादन, और इधर ओ एन पर हम ले लेते हैं श्रम वृद्धि दर, श्रम वृद्धि दर। क्यों? क्योंकि हमें इन दो का रिलेशन निकालना है। अब इसमें हम एक उत्पादन फलन लेते हैं ओ से ओ पी, ये है उत्पादन फलन। इस उत्पादन फलन ओ पी पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो पूंजी श्रम और प्रति व्यक्ति उत्पादन का रेशो बता रहे हैं। अब एक स्पर्श रेखा इस ओ पी से, इस टेंजेंट से, एक हम टेंजेंट खींचेंगे, एक हम स्पर्श रेखा खींचेंगे। ये स्पर्श रेखा है ओ, इसको हम नाम दे देते हैं बी, और ये टी, इसको मैं दूसरे कलर से करता हूँ, बी टी। ये बी टी हो गई एक स्पर्श रेखा है, एक टेंजेंट है जो कि पूंजी उत्पाद अनुपात बता रही है, कैपिटल आउटपुट रेशो अनुपात। ये इस टेंजेंट को इस जी बिंदु पर काट रही है, यानी इस जी बिंदु पर एक ऐसा बिंदु है जहां पर डेल्टा के अपॉन के बराबर डेल्टा एन अपॉन एन, यानी यही जो बिंदु है ये स्वर्ण बिंदु कहा है इसे रॉबिन्सन ने, ये स्वर्ण बिंदु है। अब यहां पर थोड़ी देर के लिए अगर हम प्रति व्यक्ति उत्पादन देखते हैं, तो प्रति व्यक्ति उत्पादन के लिए हमने वाई और एक्स एक्सिस पर एक लंबवत खींचा, ये आ गया ओ के, और वाई एक्सिस पर हमने लिया ओ ए। यहां पर थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं ये ओ डब्ल्यू जो है, ये है जो मजदूरी दी जा रही है, ये जो मजदूरी दी जा रही है श्रमिक को वो है ओ डब्ल्यू। अब यहां इस डब्ल्यू से एक हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक रेखा और खींच देते हैं। अब थोड़ा सा देखिए यहां पे ओ के, ये ओ के जो है ये बता रहा है पूंजी उत्पादन अनुपात, कैपिटल आउटपुट रेशो, ओ के। ओ ए, ये ओ ए, ये फंक्शन, ये आपका बता रहा है प्रति व्यक्ति उत्पादन, प्रति व्यक्ति उत्पादन। ओ डब्ल्यू, ये ओ डब्ल्यू, ये ओ डब्ल्यू बता रहा है आपका जो मजदूरी दी जा रही है, देय मजदूरी। और ए डब्ल्यू बता रहा है रेट ऑफ प्रॉफिट, ये ए डब्ल्यू जो है ये बता रहा है लाभ की दर, ये इसने बताया लाभ की दर। अब यहां पे आप देखें तो इस चीज को थोड़ा समझना जरूरी है कि इस डायग्राम में ये कोण है अल्फा और ये कोण है बीटा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दोनों कोण बराबर है, यानी टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ बीटा, टेन ए बराबर टेन बीटा। अब टेन अल्फा क्या है? टेन अल्फा है ई जी, ये है ई जी बटे ई डब्ल्यू, ई जी बटे ई डब्ल्यू, ई जी बटे ई डब्ल्यू, ये है टेन अल्फा। और टेन बीटा क्या है? टेन बीटा है ओ डब्ल्यू, ये ओ डब्ल्यू बटे ओ पी, ओ डब्ल्यू बटे ओ बी। अब ई जी बटे ई डब्ल्यू, ई जी बटे ई डब्ल्यू, ये जो है ये कुछ नहीं है, ये है डेल्टा के अपॉन के, यानी पूंजी की दर, पूंजी की दर, ये इधर मैं लिख रहा हूं, ये पूंजी की दर हो गई। और ओ डब्ल्यू बटे ओ बी है, सॉरी ओ डब्ल्यू बटे ओ
ओ डब्ल्यू अपॉन ओ एन है, सॉरी ये इसको मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, ये है ओ एन। अब इसमें ये एन हो गया, बी हो गया, ये एन है। अब इसी के आधार पे ये पूंजी की दर हो गई। अब ओ डब्ल्यू बटे ओ एन या ओ डब्ल्यू बटे ओ बी भी आप लिख सकते हैं इसको, ये कुछ नहीं है बल्कि ये है डेल्टा एन अपॉन एन, यानी ये हो गई श्रम वृद्धि दर। अब यहां पर एक चीज समझना जरूरी है कि श्रम वृद्धि दर और पूंजी की दर दोनों बराबर होती है, यानी यहां पर हमने प्रूफ किया है डेल्टा के अपॉन के इज इक्वल टू डेल्टा एन अपॉन एन। ये स्वर्ण काल की हम बात कर रहे हैं, और यही हमने इस डायग्राम से प्रूफ करने की कोशिश की है कि पूंजी की दर और श्रम वृद्धि की दर दोनों बराबर होती है। ये देखिए, यही मैंने बताने का प्रयास किया है, चूंकि टेन अल्फा बराबर टेन बीटा, ये टेंजेंट दोनों अल्फा और बीटा बराबर हैं, अतः पूंजी की दर हमेशा श्रम वृद्धि की दर के बराबर होगी। और यही बिंदु, ये जी बिंदु जो है, यही स्वर्ण युग का बिंदु या गोल्डन एज पॉइंट कहलाता है। ये जॉन रॉबिन्सन ने ये अपना सिद्धांत बहुत अच्छा प्रतिपादित किया था। अब इसमें बेसिकली ये जॉन रॉबिन्सन का जो मॉडल है, ये हैरोड मॉडल का एक्सटेंशन हम कह सकते हैं। इसमें जो रॉबिन्सन ने जो संभावित वृद्धि अनुपात, जो पोटेंशियल ग्रोथ रेट की बात की है, वो कहीं ना कहीं जी एन नेचुरल ग्रोथ रेट हैरोड की, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, उसी का एक्सपेंशन है ये। उसी को ध्यान में रखते हुए जॉन रॉबिन्सन ने अपने ये मॉडल प्रस्तुत किया है। तो मेरा विश्वास है कि ये आपको गोल्डन एज का जो क्राइटेरिया है स्वर्ण युग का, डेल्टा के अपॉन के इज इक्वल टू डेल्टा एन अपॉन एन, यानी पूंजी की दर हमेशा बराबर होती है श्रम वृद्धि की दर पे। तो ये लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे जल्दी।